हेलो एवरीवन, माय नेम इज मीत एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। सो आज की ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। फाइनली रेलवे की तरफ से लेटेस्ट वैकेंसीज का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है जो कि क्लर्क की वैकेंसीज का है। इसके अलावा एक और नोटिफिकेशन आया है जहाँ पे 10th 12th ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो नोटिफिकेशन है जो रेलवे की तरफ से अभी रिलीज किए गए हैं 10 मिनट पहले ही। सो कौन कौन सी वैकेंसीज आउट हुई है, कैसे आपको अप्लाई करना, क्या क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड है, सारी चीजों को यहां पे देखिए डिटेल में कवर करने वाले हैं। पहले मैं आपको क्लर्क का नोटिफिकेशन क्लियरली बताऊंगी कौन कौन सी वैकेंसीज आउट हुई है, क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड है। देन हम सेकंड नोटिफिकेशन के बारे में कवर करेंगे जो कि इंडियन रेलवे की तरफ से डायरेक्टली रिलीज हुआ है। तो वन बाय वन कवर करेंगे। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना। चाहे कोई भी वैकेंसीज आए, चाहे रेलवे की, SSC, बैंक, कोई भी अपकमिंग वैकेंसीज भी, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर ऑफिशियल ही बताया जाता है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाली ऑप्शन पे क्लिक करना ताकि जो अगली वीडियो आ रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। बाकी इसके अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, सीधा गूगल पे चले जाना है, हमारी ऑफिशियल साइट को आपने टाइप कर लेना है www.clori.com। जहां भी मैंने आप देख पा रहे हैं टाइप किया हुआ साइट आपको मिल जाएगी। यहां पे आप अपने कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को देख के अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ रेलवे का मैंने अलग से आपको यहाँ पे कैटेगरी भी बना दी है। जितनी भी रेलवे की वैकेंसीज आती हैं, या चाहे वो आगे हैं चाहे अपकमिंग हो, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। लेकिन आज जो रेलवे के दोनों नोटिफिकेशन आए हैं, दोनों के लिए RC अप्लाई करना भी शुरू हो चुका है। सारी चीज़ों को वन बाय वन कवर करेंगे। वैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया पहले रेलवे क्लर्क का अपडेट बताऊंगी, फिर उसके बाद जो रेलवे का नेक्स्ट नोटिफिकेशन आया 10th 12th ग्रेजुएट का, वो भी हम बात करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, प्यारा सा लाइक जरूर करना आपके लिए, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं आपके लिए अपडेट लेकर आती हूँ। आपका एक लाइक मोटिवेट करते हैं आपके लिए नए नए अपडेट लेकर आने का। तो देखिए हम बात करें यहाँ पे रेलवे के नोटिफिकेशन के बारे में, जहाँ पे पहला नोटिफिकेशन आप देख पा रहे हैं रेलवे की तरफ से डायरेक्टली रिलीज किया गया है। नोटिफिकेशन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो वैकेंसीज है सीनियर क्लर्क की है, जो कि आपके लेवल 5 जो है आपकी सैलरी रहने वाली है 7 CPC के अकॉर्डिंगली। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, अप्लाई करना इसके लिए स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम बात करें वैकेंसीज की, आप देख पा रहे हैं सीनियर क्लर्क की है, इसके लिए टोटल 8 वैकेंसी इस बार आउट हुई है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड नोटिफिकेशन है उसमें ज्यादा वैकेंसीज है, वो आपको आगे मैं बताने वाली हूं। अब इन वैकेंसीज के लिए अगर हम यहां पे बात करें क्वालिफिकेशन की, इसके लिए तो ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, इन्होंने यहां पे क्लियरली मेंशन भी किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप यहां अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अदर डिटेल्स यहां पे इन्होंने मेंशन भी की हुई है, इंपॉर्टेंट डेट्स आप यहां देख सकते हैं, अप्लाई करना इसके लिए शुरू हो चुका है। तो नेक्स्ट अगर हम यहां पे इसके लिए बात करें अप्लाई आपको कैसे करना होगा, तो देखिए इन्होंने इसके साथ आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, वो है एनेक्सर बी, इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। आपको ये सारी डिटेल्स फिल करनी है, इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के फॉर्म को फिल करके इनके एड्रेस पे आपको सेंड करना है। एड्रेस इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ये तो है पहला नोटिफिकेशन जहां पे आपके डायरेक्टली सिलेक्शन होने वाली है। अगर यहां पे एग्जाम होना होता तो ये मेंशन करते तो ये डायरेक्ट सिलेक्शन आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, आप अप्लाई जरूर से करना। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है रेलवे का, वो नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो है 10th 12th ग्रेजुएट तीनों के लिए हैं, आप यहाँ अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करना स्टार्ट हो चुका है, 3rd जून इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। मेल एंड फीमेल दोनों यहाँ पर एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, जो भी कैंडिडेट एलिजिबिलिटी को फुलफिल यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पे अदर डिटेल्स की बात करें, यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की, यहाँ पे इस वाले नोटिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन की फ़ी है, लेकिन अनडिजर्व्ड के मेल कैंडिडेट के लिए है ओनली, जो कि 100 रुपीज़ आप देख पा रहे हैं, 100 रुपीज़ आपको पे करना है। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे ना, तब आपको यहाँ पर पे करना होगा। उसके बाद SC ST PWD के लिए कोई भी फी आपको पे नहीं करनी होगी। यहाँ पे आपके सीधा सिलेक्शन होने वाली है। क्या होगा क्या कि जो आपके क्वालिफिकेशन के मार्क्स है ना, उसके अकॉर्डिंगली मेरिट लिस्ट रिलीज की जाएगी सीधा इनके ऑफिशियल साइट पे, उसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे सिलेक्शन होने वाली है। एज इस वाले अपडेट के लिए 15 to 24 प्लस रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अप्रेंटिसशिप के लिए ये अपडेट आया हुआ, 548 वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट अगर पोस्ट की बात करें तो फिटर के लिए है, इलेक्ट्रिशियन,
वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक के लिए हैं, वेल्डर, प्लम्बर, पेंटर, कारपेंटर, गैस कटर के लिए है। उसके बाद आप कोपा के लिए यहाँ पर देख पा रहे हैं, मशीनिस्ट की है और टर्नर की है। 10th 12th ITI कैंडिडेट अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। लास्ट में देखिए रिक्वायर्ड लिंक्स में आपको लिंक मिल जाते हैं, ये अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है फर्स्ट वाला, सेकंड है नोटिफिकेशन PDF का। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड करना है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको अप्लाई का भी लिंक मिल जाता है, यहीं पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक आपको रेलवे क्लर्क वाला मिल जाएगा, सेकंड सेम रिक्रूटमेंट का आपको मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करके इन्फॉर्मेशन लेकर आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कोई भी क्वेश्चन है कमेंट आप जरूर करना, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपडेट में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।